हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और आज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो MIUI 12 का है उसका लेटेस्ट अपडेट चाइनीज क्लोज बीटा रोम में आ चुका है और इसके अंदर कुछ नए, कुछ धांसू वाले मस्त फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो उन्हीं फीचर्स के बारे में आपको यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़े को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, उसके बाद माई डिवाइस में आपको मैं दिखा देता हूँ वर्जन और वो सब चीज़ें। देख सकते हैं, सबसे पहला एक इशू मुझे ये लगा कि ये जो डिटेल्स है ये थोड़ी देर बाद लोड होके आती है। ऑल स्पेक्स में क्लिक करते हैं तो ये वाली डिटेल्स भी कई बार थोड़ी देर बाद लोड होके आती है, ऐसे छोटा सा बॉक्स आता है और लोड होके आती है, तो ये थोड़ा सा मुझे बग लगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं MIUI 12 की 20.5.11 वाली बीटा रोम है ये, और ये क्लोज बीटा रोम है। तो मैंने इसे TLWR पे रिकवरी के थ्रू फ्लैश किया इसमें अपने Redmi K20 Pro डिवाइस में। तो अगर बात करते हैं कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पे आप देखेंगे वेदर ऐप में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे अब आपको साउंड भी सुनने को मिलेगा, एनिमेशन के साथ साथ साउंड भी सुनने को मिलेगा। मैं आपको सुनाता हूँ, देख सकते हैं जिस तरह से वेदर रहेगा आपकी लोकेशन पे उसी तरह से आपको यहाँ पे साउंड भी सुनने को मिलेगा। अगर मतलब आंधी तूफान वाला कुछ मौसम वैसा रहेगा तो आपको उस हिसाब से साउंड भी सुनने को मिलेगा। अब यहाँ पे वेदर एकदम नॉर्मल है इस लोकेशन पे, तो इसलिए कुछ खास सुनने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही आपको इसमें नया बूट एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं बूट एनिमेशन पहले इसमें स्टैटिक हुआ करता था, अभी यहाँ पे ये एनिमेशन ऐड कर दिया गया है। अब अगर हम चलते हैं इसके कैमरा एप्लीकेशन में, यहाँ पे कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो ये जो कैमरा एप्लीकेशन जो इंटरफेस देख रहे हैं ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जो MIUI 12 की बीटा रोम पहली बार फ्लैश करी थी तो उसी में ये वाला फीचर मिल गया था। यहाँ पे आप कलर्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नया फीचर इसमें ऐड किया गया है वो ये है कि अगर हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कैमरा मोड्स का। इसके अंदर और भी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कैमरा मोड्स का नया ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं कि कैमरा मोड्स यानी कि मोर वाला जो पैनल है आपको इस तरह से स्लाइडर में चाहिए या फिर आप मोर टैब चाहते हैं। मोर टैब पे क्लिक कर दिया अगर सपोज, बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे रहता है, तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिल जाएगा इस तरह से, तो मोर वाले ऑप्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। बट अगर आपको स्लाइड वाला चाहिए तो सिंपली आप सेटिंग्स में जाके, कस्टमाइज में जाके, कैमरा मोड्स में जाके मोर वाले ऑप्शन को स्लाइड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हमें मोर वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी जगह पे हम रहते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको ये मोर वाले ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और आप इन्हें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। तो ये फीचर पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जब ये MIUI 12 की रोम आई भी नहीं थी तभी ये वाला फीचर एक बार लीक किया गया था या फिर बताया गया था, पोस्ट किया गया था चाइनीज साइट पे, तो वहाँ पे बताया गया था कि ये वाला फीचर आने वाला है। तो ये फीचर पर्सनली मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। हालांकि इसमें अभी बग्स हैं, थोड़े बहुत इश्यूज हैं, कई बार ये स्क्रॉल डाउन करके मतलब सही से जाता नहीं है, तो ये सही हो जाएगा बाद में, बट अभी ये अच्छा लग रहा है। अब अगर हम चलते हैं इसके गैलरी वाले एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे स्काई फिल्टर्स आपको कुछ नए देखने को मिल जाते हैं। ये वाली फ़ोटो मैं उठाता हूँ जिसमें स्काई भी है पीछे बैकग्राउंड में। एडिट पे चलते हैं, उसके बाद स्काई वाले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे स्टैटिक वाले जो स्काई मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्काई आपको, स्काई के जो फिल्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा मिलने लगे हैं, मतलब ये दिन प्रतिदिन नंबर्स इनके बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तरह तरह के स्काई वाले फिल्टर मिल रहे हैं। यहाँ पे डायनेमिक फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये वीडियो बनाएंगे मतलब म्यूज़िक के साथ, अगर आप चाहें तो म्यूज़िक को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे बटन आपको मिल जाता है, बट देख सकते हैं ये म्यूज़िक के साथ आपका एक वीडियो बना देंगे जहाँ पे आप डायनेमिक स्काई को यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं और ये वीडियो बना देगा और आपकी गैलरी में सेव कर देगा। एक और अच्छा फीचर आया है कि जब हम वीडियो प्लेबैक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आप इस पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट या फिर स्लो कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये वाला वीडियो प्ले हो रहा है और सिंपली हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, अब हम चाहें तो इसे स्लो कर सकते हैं या फिर फास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और फीचर मैंने नोटिस किया है, शायद ये फीचर पहले भी रहा हो लेकिन अभी मैंने नोटिस किया, कि जब हम यहाँ पे सब फोल्डर्स को ओपन करते हैं तो थोड़ा सा जूम इन होता है जो लाइव वॉलपेपर यहाँ पे है। पहले नॉर्मली स्क्रॉल करने पे ये इस तरह से मूव तो होता ही था, एनिमेट होता था, लेकिन सब फोल्डर्स पे क्लिक करने पे हल्का सा जूम होता है। तो शायद ये पहले से भी रहा हो इसमें MIUI 12 की रोम में, लेकिन पहले मैंने नोटिस नहीं किया था, बट आज मैंने ये नोटिस किया।
तो गाइज यहाँ पे कुछ यही नए फीचर्स मुझे नोटिस हुए हैं इस MIUI 12 की क्लोज बीटा रोम, MIUI 12 की 20.5.11 वाली बीटा रोम में। बाकी अगर और कुछ नए फीचर्स मिलते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आज वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।